press the bell icon for all the updates. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आमिर सर बताएं, हम लोग तो सोच रहे थे कि मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन फाइनली डेढ़ बजा और आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए मेरे जन्मदिन पे। हर साल आप लोग आते हैं। फ़ोन बज रहा है किसी का। हर साल आप लोग आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यार से, इतने गुड विशेस के साथ आते हैं मुझे मिलने। आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट, सो थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आ पाया, क्योंकि वैसे तो मेरी शूटिंग चल रही थी, लेकिन विक्टर जी ने मुझे दो दिन छुट्टी दी है बर्थडे के लिए और मैं सडनली आ पाया। एक्चुअली मुझे लास्ट नाइट पता लगा तो मैं बड़ा खुश था। और किरण जी ने आज मुझे सरप्राइज़ दिया एयरपोर्ट पे, पिकअप करने आई, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आ पाया और किरण, आज़ाद, अम्मी के साथ मैं अपना जन्मदिन बिता सकता हूँ जैसे हर साल मैं बिताता हूँ। सर, इस बार आप इंस्टाग्राम पे एंट्री किए और अम्मी की तस्वीर भी डाली, जरा ये भी बताएं। हाँ, आज मैंने इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया है और आज चूँकि मेरी सालगिरह है और जिस इंसान की वजह से मैं यहाँ आज मौजूद हूँ, मुझे लगा मैं शुरुआत उनसे ही करूँ, उनकी तस्वीर से। जो कुछ भी मैं हूँ आज अम्मी की वजह से हूँ। How do I reflect the year gone by? Well, it's been a great year, yeah. We've had a wonderful success in Secret Superstar and I've been very fortunate to actually this year, in the year that has gone by, I've got the chance to work with Mr. Bachchan. So it's my dream come true to work with him and I'm really enjoying that process. So it's been a great year. On the personal side too? Personal side also, yeah. On the personal side, how do you reflect the year? On the personal side, how do we reflect the year? No, it's been a great year. Yeah. Thank you. Because I'm shooting, हाँ, क्योंकि मेरी शूटिंग जोधपुर में है इसलिए बर्थडे थोड़ा आज इस दफ़ा बिजी है। मैं लकीली फ्लाइट पकड़ के आ पाया और फिर मुझे एक डेढ़ दिन के बाद वापस जाना है। Well, actually Kiran told me that she's been on Instagram for a while and she's really enjoyed that process, so I thought I'll also try it. How much is Azad excited about your birthday? हाँ, आपके सवाल का तो इंतजार रहता है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। किरण, मच अप्रिशिएटेड दैट यू वेंट टू द एयरपोर्ट एंड सरप्राइज्ड देम। आमिर, आने वाले साल से सबसे ज्यादा आपको अपेक्षाएं क्या, किस चीज की हैं? इसका जवाब दीजिए, उसके बाद एक और पूछूंगा। आने वाले साल में मुझे उम्मीद है कि जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त थग्स पे वो अच्छा हो और फिल्म अच्छी बने, लोगों को बहुत पसंद आए, और जो अमित जी और मैं एक साथ काम कर रहे हैं वो एक यादगार फिल्म हो, ये मुझे उम्मीद है फिल्म से। आमिर, आमिर तेरे से का अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य को लेकर हम लोग के शरीर काफी अटकन है कि आप बताएं, वहां पे तो आप एक्चुअली कर साक्षात रूप में आप निकल। रात भी मैंने अमित जी के साथ शूटिंग की तो ये सही है कि शोल्डर में उन्हें तकलीफ है, पीठ में तकलीफ है, क्योंकि इस फिल्म में एक्शन भी बहुत है अमित जी का। बहुत सालों बाद आई थिंक आप लोग अमित जी को एक्शन करते हुए देखेंगे, तो डेफिनेटली इट्स अ चैलेंजिंग फिल्म फॉर हिम एंड ही इज़ कोपिंग वेरी वेल विथ इट। बट कभी कभी फिजिकली तकलीफ होती है, शोल्डर में उनको इंजरी है, बैक में इंजरी है, तो परसों रात को ज़्यादा तकलीफ थी, बट ही इज़ बेटर नाउ एंड यस्टरडे वी शॉट टुगेदर। या एक्चुअली इट वॉज बिकॉज हम लोग शूटिंग कर रहे थे और सडनली मैं तो भूल गया टाइम क्या हो रहा है, और सडनली मुझे माइक पे अमित जी की बूमिंग आवाज़ माइक पे आई और उन्होंने माइक पे मुझे पूरे यूनिट के सामने विश किया, तो सडनली आई गॉट अ स्टार्ट एंड यू नो आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन। मैंने कहा भी था कि आई विश ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विश मी एंड एज इट टर्न आउट इट वाज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू विश मी। आमिर सर, आउट ऑफ टॉप 5 इंडियन हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स, 3 फिल्म्स आर योर्स, हाउ डू, व्हाट इज योर सीक्रेट फार्मूला? वेल, सीक्रेट फार्मूला मेरा कुछ नहीं है, मैं फिल्में करता हूँ जो मेरे दिल को छूती हैं और मुझे खुशी है कि जो फिल्में मैं चुनता हूँ और जिन डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ
क्रिएटिव लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है, वो फिल्में अच्छी बनती हैं और ऑडियंस को भी पसंद आती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरी फिल्में जो हैं लोगों को इतना लुभाती हैं, इतनी पसंद आती हैं। आज़ाद ने कुछ तोहफा दिया है, कुछ सरप्राइज प्लान किया? आज़ाद का अभी तो मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। आमिर, सीक्रेट सुपरस्टार हैज डन अ ह्यूज बिजनेस इन चाइना रिसेंटली। दिस हैज कम टू बी नोन दैट इन 10 इयर्स द नंबर ऑफ स्क्रीन इन चाइना हैव ग्रोन फ्रॉम अराउंड 12,000 टू 60,000 दिस ईयर, इट विल बी देयर। द बिजनेस हैज ग्रोन फ्रॉम 500 मिलियन टू ऑलमोस्ट 10 बिलियन दिस ईयर। व्हाई इज इट दैट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कांट डू समथिंग अबाउट द नंबर ऑफ स्क्रीन? वेल, आई थिंक इंडिया हैज एज बिग अ potential, you know, as China. It has as big a potential. I just feel that the kind of investment that China has done, the entertainment business in China, and I suppose the administration has also been supportive of that. They have built a lot of screens, and so that is why their business has gone up many folds. I think in India also, if we build many more theaters, it's such a large country and with such a huge population, if we build many more theaters, then you will see the same kind of growth in the entertainment industry, in the film industry, in India also. So it's just a matter of building the infrastructure of theaters, I think. Sir, can we see Thugs of Hindustan releasing simultaneously in China as India? I don't know. That's a process that you know, hopefully we will try and achieve, but I'm not sure of how that works. Kiran ma'am, aapne kis tarike se taiyari ki thi 14 March ki, kyunki aap surprise dekar ke bhi aayi hain abhi sir ko? Nahi, actually hame pata nahi tha ki wo aa payenge ki nahi, to ek plan to ye tha ki main unko wahan surprise karungi. पर कल उनका फ़ोन आया कि शायद मैं आ पाऊँगा, और तो मैंने कहा एटलीस्ट एयरपोर्ट तक तो मैं जा ही सकती हूँ और एयरपोर्ट में सरप्राइज़ करूँगी। तो द वन बैड हैबिट आई हैव इज दैट आई एम अ वेरी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। वो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है। नहीं, दैट्स नॉट अ हैबिट, दैट्स योर पर्सनैलिटी। दैट्स माय पर्सनैलिटी। हाँ, हैबिट नहीं, लेपर्ड चेंजिंग इट्स स्पॉट्स। But habit, what is my bad habit? I think smoking. Smoking. So नहीं, वो छोड़ी थी लेकिन हाँ, तो वो मुझे छोड़नी है सिगरेट। That's a bad habit which I hope to leave. कौन सी बात है जो आप चाहती हैं कि अमित सर में कभी बदले ना, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहती हैं कि वो बदले, जल्द से जल्द बदल जाए वो चीज़? हाँ हाँ, बोलिए, मुझे भी सुनना है। कौन सी बात मैं बदलूँ अपने बारे में? देखा जाए तो एक्चुअली आई रियली डोंट वांट हिम टू चेंज। हालांकि हर दिन मैं उनको किसी ना किसी चीज़ पे टोकती रहती हूँ कि आप टाइम स्पेंड नहीं करते, आप ज़्यादा स्मोक करते हैं, आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इफ़ आई एक्चुअली हैड टू चेंज हिम एट ऑल, आई डोंट थिंक, यू नो, आई डोंट थिंक आई वुड बी एज हैप्पी, यू नो, टू सी दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी द वे ही इज। मुझे बहुत ध्यान से सुनना है। व्हाट अबाउट दैट क्वालिटी व्हिच यू डोंट वांट टू चेंज? और टू मेनी क्वालिटीज दैट आई हैव टू से। हां तो बोलो कौन सी। आई मीन आज आपका दिन है, बर्थडे पे तो बनता है। हिज आई मीन ऑफ कोर्स हिज सेंसिटिविटी एंड इंटेलिजेंस फॉर व्हिच आई मैरिड हिम, the deep understanding that he has of people, his love for people, his sense of caring and empathy for people. I think those are the qualities that most attracted me to him, and also his incredibly sharp creative mind, you know, his ability to understand ideas, the potential of ideas, are things that I mean are unique to him, and those I'd never, you know, I really hope don't change. Or that's bad. Aamir, aaj acha lag raha hai mujhe. Badi achhi birthday jane wali hai. Kiran inspires every day, in fact, like she's an inspiration. Definitely we can always. Well, I think Kiran has been someone who has been a major force in my life, and I think jab se Kiran meri zindagi mein aayi hain to mujhe lagta hai mujhme bhi ek tabdili aayi hai. Pehle main bahut zyada sanjeeda tha, bahut zyada serious tha. तो एक सेंस ऑफ जॉय और एक एक एनर्जी आई है मेरे जिंदगी में किरण के आने से। सर, कल से वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपरस्टार ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे, तो अरे ये सब कब दे दिया गया है? इंटरनेशनल सुपरस्टार नहीं, देखिए वो सब आप लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन हम लोग मैं तो सोचता नहीं उन सब चीज़ों के बारे में। आई एम जस्ट डूइंग द वर्क दैट आई लव डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द वर्क आई डू इज़ अप्रिशिएटेड बाई पीपल।
In your long-standing career, you, Shah Rukh and Salman have always been pitted against each other. But today, as you celebrate your 53rd birthday and you're still a reigning superstar, is it difficult to not be competitive with the other two Khans? I don't think I'm competitive at all with them. And I don't think they are either. We are all doing our own stuff. If at all, I'm competing with myself. If there's anybody I'm competing with, it's myself. I'm trying to challenge myself, do better work. Yeah, I feel happy when I see other people's good work. There's never a competition also from your side? No, never. We'll take last question, please. What is happening in Dream Project Mahabharat? 2020 is what you had said. You know, let me say this, that there are a number of things I'm working on. And as soon as I'm clear about what I'm doing, where I'm doing, I'll tell you. But right now, I'm just working on a number of things. Guys, we'll take this last question, please. Sir, जब हम लोग theatres की बात करें कि China में जो theatre है, जैसे कि film industry को boom मिला है, theatre बढ़ने की वजह से, एक चीज और चल रही है कि जो हमारे जो superstars हैं, उनकी fees को लेकर के भी बात चल रही है कि उनको अपनी fees में थोड़ी कटौती करनी चाहिए ताकि film में ज़्यादा investment हो जाए. आपकी क्या राय है? Actually, मैं तो fees लेते नहीं हूँ. आपको पता नहीं ये बात? बहुत साल हो गए मैंने फीस लेना बंद कर दिया. तो जो फिल्म अगर कम कमाती है तो मैं कम कमाता हूँ, फिल्म ज्यादा कमाती है मैं ज्यादा कमाता हूँ. तो मैं तो फीस लेते ही नहीं. नहीं, वो तो आप फिल्म में देखिएगा. I'll take a last question. Sorry. Yeah, actually there are many, but I won't share them now. Thank you guys, thank you. Any plans for the small screen? You know, you made a big impact on small screen. Yeah. Well, right now my entire team of Satyameva Jayate is working on the water project that we are doing. It's been 3 years since we have been working, Pani Foundation. So the entire team is working on that. Kiran and I also working on that. And in the first year, humne 3 taluka mein kaam kiya. Dusre saal mein 30 taluka mein kaam kiya. Aur is saal, jo teesra saal hai, hum 75 talukas mein kaam kar rahe hain. 75 talukas mein hum kaam kar rahe hain. So that's something that we are devoting all our time to. Aur isliye hum TV pe nahi hum aa paate hain. You know, Satyameva Jayate ki puri team isme lagi hui hai. But okay, what's your question? But small screen shows are coming, Madaki shows. Yeah, I'm from Maharashtra Times. Haan. Sir, I just want to ask you a question, that you are doing some show in Marathi. Yeah. That's the first time. So what's your thinking about? Well, that show that I'm doing in Marathi is for the water work, yeah, that we are doing, Pani Foundation ka jo kaam hai. Haan. तो आपने जैसे पूछा कि टीवी पे हमारा कुछ नहीं आ रहा, तो टीवी पे हमारा भी आने वाला है, मराठी चैनल्स जी मराठी पे आने वाला है हमारा शो. और जो हम काम कर रहे हैं उसको लेकर हम एक जर्नी बना रहे हैं ताकि लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हों. हम रूरल महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, गाँव खेड़े में काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर के लोग भी उसके साथ जुड़ें. और हमने अभी हाल ही में देखा था, एक बहुत बड़ी रैली भी हुई थी किसानों की. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम शहरी लोग जो हैं हम उनके साथ जुड़ें और उनके समस्याओं को समझें, और हो सके तो हम उसमें हाथ बटाएं. सो दैट इज़ आई फील इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन प्लीज. किसानों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पानी ही है, और आपको जिस तरह से उनके सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्या लगता है शो से और बेहतर कुछ होगा और बॉलीवुड से और भी? आई होप इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं. और हमें अभी 3 साल में बहुत सफलता मिली, और हम चाह रहे हैं कि इसको और हम बड़ा बनाएं. और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शहरों में रहते हैं, मुंबई, पुणे, नासिक, जो महाराष्ट्र के अलग अलग बड़े शहर हैं, वो इसमें अगर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और हम उनको न्योता भी देंगे सही वक्त पर इन्वॉल्व होने का, तो वो गाँव में जाके गाँव वालों के साथ मिलजुल के श्रमदान कर सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं. एंड आई थिंक दैट बी अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑल्सो for all of us. Make a request. So thank you so much, guys. Thank you.